हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बनाएंगे उसमें ये मिल्क शेक का बॉटल यूज करेंगे। तो चलिए क्राफ्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस बॉटल को अच्छी तरह से बॉल पुट्टी से कवर कर लूँगी। कवर करने के बाद इसे पानी की हेल्प से स्मूथ करूँगी और सूखने के लिए रख दूँगी। जब ये प्रॉपर सूख जाएगा तब हम इस पर आगे की डिटेलिंग करेंगे। उसके बाद मैं एक कागज़ का टुकड़ा लूँगी और उसे इस तरह से शेप दूँगी। आप कागज़ की जगह पेपर का भी यूज कर सकते हैं। शेप देने के बाद इसे हम सेलो टेप की हेल्प से कवर करेंगे। सेलो टेप से कवर करने के बाद हम इसके ऊपर वाले पार्ट को बॉल पुट्टी से कवर करेंगे और उसके बाद इसे हम बॉटल में फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा लेंगे और इसे भी बॉल पुट्टी से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद हम इसके नीचे वाले एरिया पे इसे फिक्स कर देंगे। इसे फिक्स करने के लिए हम फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं या फिर जो बॉल पुट्टी का डो बनाया है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसे थोड़ा सा पतला कर लीजिए और बस उस पर उसे लगा के उसे फिक्स कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें जो क्राफ्ट बनाना है हमने उसके लिए बेस तैयार कर लिया है। अब जो है वो आगे की डिटेलिंग करनी है। तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिए। आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you.
तो फ्रेंड्स, हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना खूबसूरत है, और तो और ये बहुत ही कम खर्चे में बनके तैयार हुआ है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम खर्चे में बनके तैयार होती है। इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। बहुत जल्द फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।